दार्जिलिंग म्युनिसिपलिटी पर भी बीजेपी ने कब्जा जमाया। तृणमूल कांग्रेस के इस म्युनिसिपलिटी से 17 काउंसिलरों की जानिब से बीजेपी को हिमायत दिए जाने के बाद दार्जिलिंग म्युनिसिपलिटी पर बीजेपी बोर्ड बनाने में मसरूफ। आज हमारा पास क्या है, दार्जिलिंग नगर पालिका है, उसमें 32 सीट है, उसमें एक देहांत हो गया, एक का रिजाइन कर, और एक रिजाइन कर दिया है, तो क्या होता है उसमें 30 होता है। आज 17 काउंसिलर लोग, 17 क्या है उसका नाम हम बोल दे रहा है, एक नोनन राय, सुनीति सरपा, विनीता तमांग, दीपा घोष जी सिंह, मैं नमीना राहो, उषा विश्व शर्मा, विश्वकर्मा, गोपाल छेत्री, बिंगू वारिया, विष्णु प्रवीण खली कोटे, अनुभल सुपा, रफिका गरोंग, अंबिका शर्मा, नीलम मुखिया, तर्पण रुंगा, नीरज शर्मा, गणेश सरका और राणा निपाजी, ये 17 आदमी आज एक साथ में भाजपा में ज्वाइन कर गया है। तो क्या है, आज से दार्जिलिंग जो नगर पालिका है इसमें भाजपा मेजोरिटी है। लेकिन ममता जी का सरकार क्या कर रहा है, ये एक साथ के मिलित होके एक ग्रुप बनाया, पुलिस का लागू कर दिया है, इसका पुश का घर में, सबका घर में, और लेडीज लोग है, जो लोग है इसके पास पुलिस भेजता है, अरेस्ट करने मांगता है, गिरफ्तार करने मांगता है, पुलिसी राज चालू कर दिया है। तो आज से दार्जिलिंग पौरसभा में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी है, उसका चुनाव के बाद उसका चेयरमैन नियुक्त हो जाएंगे। और ये एक बात है, जिस तरीके से पुलिस राज चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड किया है, हम लोग 2-3-4-5 दिन का अंदर दार्जिलिंग में कैलाश जी का नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये ममता जी के ये वार्ता देने चाहिए, डेमोक्रेसी के पीपल्स का मैंडेट आपका खिलाफ में तो चला गया है, अभी अभी जिस तरीके से अब चल रहा है ये चलेगा, तो होने वाला आज हो कल हो परसों हो, जो असेंबली चुनाव होंगे ना, आपका पार्टी को ये अपोजिशन पार्टी का स्टेटस मिलेगा नहीं। देखो बंगाल का लड़ाई थी, गणतंत्र बचाओ का लड़ाई अभी भी चल रहा है, ये गणतंत्र बचाओ लड़ाओ, इससे हम आग्रह करेंगे भाई साहब थोड़ा कुछ करें। मैं तो सभी हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले पार्षद महोदय का मैं स्वागत करता हूँ, राजू भाई और मुकुलदा और हम तीनों ही सबको दुपट्टा डालकर और सबको इसके बाद हम जब सबके गले में दुपट्टा डालें तो राजू भाई फिर इसका समापन करेंगे, है ना।